ग्रामीणों और किसानों ने घूसखोर पटवारी की शिकायत कलेक्टर से की थी, जिसके बाद पटवारी के कारनामों की जांच शुरू हुई है। पटवारी पर आरोप है कि वह हर काम के बदले लोगों से रुपया मांगते हैं। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत अमरपुर के ग्राम पंचायत मोहारी के पोषक ग्राम खितौली के ग्रामीणों ने विगत दिनों पटवारी राकेश मोराबी पर कार के बदले 2-2 हज़ार रुपये लेने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। साथ ही कृषकों ने पट्टेदार भूमि का गलत सीमांकन करने के भी गंभीर आरोप पटवारी पर लगाए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत मोहारी पहुंचे और मामले की जांच की। नायब तहसीलदार ने बताया, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इनके द्वारा मुझे जानकारी दी जा रही है, तो सभी लोगों के नाम नोट किए जा रहे हैं, कब इनके द्वारा दिए गए हैं उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसमें फिर जांच की जाएगी, और अगर के जांच में सही पाए जाते हैं इनके आरोप, तो फिर संबंधित पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पटवारी साहब ने दिखा था कि 6,000 रुपया पट्टा बनाए की दे तो केवाईसी करके कहा था, सीधे जन सुनवाई में करेंगे। 36 नंबर खेत था, उसमें 4 भाई हैं, अगन सिंह, मान सिंह, बाजी मान सिंह, फागु और बलदेव, इनके लिए 2,000 रुपया प्रति हितग्राही को लिया रहा और मेरे समक्ष दिया, तो नाम नहीं चढ़ाया है और वो कल आवेदन दिए हैं और वो ट्रांसफर करवा लिया है, तो हमें हमारा काम नहीं हुआ है, हमें पैसे चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।